एक तरफ तो भारत का सबसे घातक विमान राफेल ने उड़ान भरी, तो दूसरी ओर भारत के सबसे घनिष्ठ मित्र रूस ने चीन को छन्नाटेदार झटका दे दिया है, यानी S-400 पर रोक लगा दी है, डिलीवरी बंद कर दी है। यह खबर आज आपको सुकून देगी, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर, मैं हूं नवीन चौहान। एक तरफ तो भारत में जश्न है क्योंकि राफेल ने भारत से उड़ान भर दी है, और दूसरी ओर भारत से तनाव के बीच चीन को उसके मित्र देश रूस ने बहुत बड़ा झटका दिया है। रूस ने चीन को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी पर रोक लगा दी है। चीन ने इसे दबाव में लिया गया फैसला बताया है। हालांकि उसने किसी देश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उसका इशारा साफ तौर पर भारत और अमेरिका की तरफ है। S-400 दुनिया का सबसे बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। रूस के अलावा सिर्फ चीन के पास इसके कुछ यूनिट हैं। भारत को इसकी पहली खेप इसी साल मिलने वाली है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस बार रूस ने साफ कर दिया कि वो चीन को S-400 मिसाइल की डिलीवरी रोक रहा है। चीन की एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है, इस कदम से साफ हो जाता है कि सिर्फ हथियार खरीद का समझौता करने से कुछ नहीं होता, जरूरी यह है कि सिर्फ बिल नहीं में हथियार भी आपको मिले। चीन के एक न्यूज़पेपर ने इस बाबत लिखा कि रूस ने S-400 की डिलीवरी को आगे तक के लिए बढ़ा दिया है। यह काफी पेचीदा मामला है। रूस लगातार मिसाइल सिस्टम को खरीदने के लिए दबाव बना रहा था, लेकिन महामारी के दौरान हथियार खरीदना कोरोना के खिलाफ पीपल्स लिबरेशन आर्मी को कमजोर कर सकता है। चीन ने भारत से पहले इस मिसाइल सिस्टम को खरीदने का फैसला किया। पहला बैच उसे 2018 में भी मिल चुका है। भारत को इस साल के आखिर तक ये सिस्टम मिल जाएगा। खास बात यह है कि रूस ने चीन की डिलीवरी को तो रोक दिया, लेकिन भारत को वक्त पर मिसाइल देने का वादा दोहराया है। भारत को भी इसी साल S-400 रूस देगा। ऐसे में हम आपको इसकी खासियतें दिखा देते हैं। S-400 दुश्मन के हवाई हमलों को नाकाम करने में सक्षम है। ये मिसाइल सिस्टम एयरक्राफ्ट क्रूज मिसाइल और यहां तक कि परमाणु मिसाइल को 400 किलोमीटर पहले ही नष्ट कर सकता है। इसके तीन प्रमुख अंग हैं, जिनमें मिसाइल लॉन्चर, रडार और कमांड सेंटर शामिल है। S-400 मिसाइल सिस्टम अत्याधुनिक रडारों से लैस है। इसमें लगा हुआ है अत्याधुनिक रडार, 600 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को देख सकता है। इसमें चार अलग अलग रेंज में अचूक निशाना साधने वाली मिसाइल है। इसमें 40N6E और 48N6 मिसाइल करीब 400 और 250 किलोमीटर की दूरी में निशाना लगा सकती है, जबकि 9M96E2 और 9M96E मिसाइल 120 और 40 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन को ढेर कर सकती है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि भारत के पास एक तरफ राफेल खड़ा होगा, दूसरी तरफ S-400 जो चीन की नापाक हरकत को जवाब देगा और पूरी तरीके से चीन मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि अब तो रूस ने भी उस पर फैसला ले ही लिया। इस वीडियो को शेयर कीजिए बहुत ज्यादा तरीके से और एडवांस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।